नमस्कार बच्चों, कक्षा आठवीं का जो चौथे सप्ताह का कक्षा आठवीं का विषय विज्ञान पाठ है, फसल उत्पादन का जो होमवर्क आया है उनकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करें। बच्चों, इसमें हम होमवर्क जो प्रश्नों के साथ उत्तर भी शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, सिंचाई के स्रोतों के नाम बताइए। तो बच्चों, सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर प्रमुख जल के स्रोत हैं। दूसरा प्रश्न है, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों, थ्रेशिंग काटी गई फसल से बीजों या दानों को जो कचरा होता है, भूसा होता है, उसे अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। ये कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होता है। बच्चों, फिर तीसरा प्रश्न है, सिंचाई के दो पारंपरिक तरीकों के नाम बताइए। तो बच्चों, सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्नलिखित हैं, मोट जिसको गिरनी भी कहते हैं, चैन पंप है, डेकली है, रहट है, इनमें से आपको दो साधनों के नाम लिखने हैं। फिर बच्चों, चौथा प्रश्न है, साइलो किसे कहते हैं? तो बच्चों, किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र के में करते हैं, लेकिन बीजों का बड़े पैमाने पर भंडार साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको चूहे व कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, तो उसे साइलो कहते हैं। और बच्चों, जो ये प्रश्न डबल बार आया था तो उनका उत्तर हमने नहीं लिखा है। और बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।